हेलो स्टूडेंट, नाउन द नंबर की सीरीज में आज हम फिर आपके सामने आए हैं कुछ नए रूल लेकर, जिसमें हम नाउन सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करते हैं। तो कुछ सिंगुलर ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में ओ होता है और हम उनमें, और ओ से पहले कॉन्सोनेंट भी रहता है, लेकिन फिर भी इनका जो प्लूरल बनता है वो एस या ई एस जोड़कर ही बनता है। जैसे कार्गोज, तो कार्गोस का क्या हो गया, जी ओ ई एस। हमने लेसोस, लेसोस फंदा डालकर फंसाने पकड़ने वाला रस्सा, तो इसमें भी हमने एस या ई एस दोनों में से कुछ भी जोड़कर हम बनाते हैं तो वो हमारा सही रहता है। पोर्टिको, पोर्टिकोस, इसमें हम एस भी जोड़ सकते हैं और ई एस भी जोड़ सकते हैं। रूल नंबर 8 आता है हमारा, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट ओ हो और ओ से पहले वोवल साउंड हो तो सिर्फ एस जोड़कर बनाया जाता है। यानी अगर ओ से पहले कॉन्सोनेंट साउंड है तो हम एस या ई एस भी जोड़ सकते हैं, लेकिन यदि किसी ओ से पहले, लास्ट लेटर ओ से पहले केवल वोवल साउंड है तो हम एस जोड़कर ही उसे प्लूरल बनाते हैं, सिंगुलर से प्लूरल। बम्बूज, बम्बूज, केवल हमने इसमें एस जोड़ा। कैमियो, कैमियोज। कुकू, कुकूज। क्यूरियो, क्यूरियोज। पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियोज। रेटियो, रेटियोज। स्टीरियो, स्टीरियोज। स्टूडियो, स्टूडियोज। फोलियो, फोलियोज। वीडियो, वीडियोज। रेडियो, रेडियोज। स्कैनरियोज, स्कैनरियोज। तो हमने देखा कि जिनके लास्ट में ओ वर्ड आया है, ओ लेटर आया है और उससे पहले कोई बबल साउंड है ओ से पहले, तो हम उसमें केवल एस जोड़कर उसका प्लूरल बनाते हैं, लेकिन ओ से पहले यदि कॉन्सोनेंट साउंड है तो हम उसमें एस भी जोड़ सकते हैं और ई एस भी जोड़ सकते हैं। ये हमने लास्ट पहले भी देखा था कि अगर कॉन्सोनेंट साउंड है तो क्या जोड़ते हैं उसमें, लास्ट में सिर्फ एस जोड़ते हैं, और वोवल साउंड है तब भी हम उसमें क्या जोड़ते हैं, एस जोड़कर प्लूरल उसका बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारा 9 रूल आता है, यदि सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर एफ है या एफ ही है या F या और F ही को हटाकर हम क्या जोड़ते हैं, V E S जोड़ते हैं। यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर F है तो हम उसमें F E हटाकर V E S उसमें जोड़ देते हैं। जैसे काफ, काफ में हमने F हटाकर V E S जोड़ दिया, काफ्स। F, F में भी हमने V हटा दिया, E V E S जोड़ दिया। बाइफ, एफ ई हटाकर वी ई एस जोड़ दिया। थीप्स, थीप्स। हाफ, हाफ्स। लोफ, लोप्स। शेल्फ, सेल्फ्स। इधर लाइफ, लाइफ्स। नाइफ, नाइफ्स। लीफ, लीप्स। शीफ, शेफ्स। शेल्फ, शेफ्स। और वॉल्फ, वॉल्फ। इस तरह से मोस्टली हमारा यही रूल लगता है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ सिंगुलर नाउन ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में एफ भी है, डबल एफ है, एफ ई है, लेकिन फिर भी हम उसमें केवल एस जोड़कर बनाते हैं प्लूरल। ये जो हम इसके एक्सेप्शन होते हैं ना, यही हमें ज़्यादा याद रखने होते हैं, क्योंकि यही एक्सेप्शन विवाद एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जैसे चीफ, चीफ में हम केवल क्या जोड़ेंगे, एस जोड़ेंगे, चीप्स। ये हमें याद करने पड़ते हैं दो तीन बार। कॉमन रूल तो सब पे लागू होता है, रूल आपने याद कर लिए तो आपको सारे याद हो गए, लेकिन उन रूल से हटकर जो एक्सेप्शन होते हैं वो हमें ज़्यादा याद करने पड़ते हैं। बिलीफ, बिलीफ्स, यानी एफ के बाद में डायरेक्ट एस। ये कुछ ऐसे एक्सेप्शन है जो आपको याद करने हैं। क्लिफ का क्लिप्स, यहाँ हम एस नहीं हटाएंगे, सॉरी एफ नहीं हटाएंगे, एफ बिना हटाए ही एस लगाएंगे। और कॉमन रूल हमारा होता है एफ या ई एफ ई हटाकर वी एस लगा देना। ग्रीफ, ग्रीप्स। स्कार्प्स, स्कार्प्स।
गल्फ गल्फ्स, हैंकरचीफ हैंकरचीफ्स, हूफ हूफ्स, रूफ रूफ्स, प्रूफ प्रूफ्स, मिसचीफ मिसचीफ्स, पफ पफ्स, रीफ रीफ्स, स्टाफ्स स्टफ स्टफ्स, टर्फ टर्फ्स और वार्फ वार्फ्स। तो इस तरह से हमने कुछ ये वर्ड देखे, नाउन देखे सिंगुलर, जिनमें हम केवल एस जोड़ देते हैं एफ के बाद में। तो ये हमें बहुत अच्छे से, ये वाले वर्ड हमें याद रखने हैं किन नाउन में केवल एफ के बाद में एस जोड़ा जाता है। कुछ आगे देखते हैं इसके सिंगुलर, स्ट्राइप। तो स्ट्राइप में क्या जोड़ेंगे हम, केवल एस जोड़ेंगे, स्ट्राइप्स, काफ कैप्स और सेफ सेफ्स। हुफ का हुफ्स और हुफ्स दोनों ही हो जाता है, स्कार्फ का स्कार्फ और स्कार्फ हो सकता है, इसी तरह वार्फ का वार्फ से भी हो सकता है, सही होता है। लेकिन ज़्यादा जो बोला जाता है वो एफ के बाद में इन वर्डों में एस लगाकर बोला जाता है। 11 हमारा रूल आता है, कुछ सिंगुलर नाउन ऐसे होते हैं जिनके बीच के वॉवेल को बदलकर प्लूरल बनाते हैं, जैसे डॉरमाउस, डॉरमाउस का क्या आ गया, डॉरमाइस, फुट, फुट का फीट, ये भी क्या है, प्लूरल बनाते हैं हम बीच का वॉवेल चेंज करके। गूज गीज, लाउस लाइस, मैन मैन, एम ई एन, माउस माइस, टूथ टीथ, वुमैन वुमैन, एम ई एन। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में ई एन और आर ई एन जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है, जैसे चाइल्ड, चाइल्ड के लास्ट में आर ई एन चिल्ड्रन, ऑक्स ऑक्सन, ब्रदर ब्रीदरन और ब्रदर्स दोनों ही होते हैं, ब्रीदरन होते हैं एक ही धार्मिक संस्था के सदस्य और ब्रदर्स होते हैं बिल्कुल सगे भाई। रूल नंबर हमारा 13 आता है, जनरली सिंगुलर कंपाउंड नाउन मैन मैन वर्ड में एस जोड़कर बनाते हैं। यदि कोई सिंगुलर कंपाउंड नाउन है तो हम उसमें जो मैन हमारा मुख्य वर्ड होता है उसमें एस जोड़ते हैं, जैसे कमांडर इन चीफ, तो हम इसमें क्या जोड़ेंगे, कमांडर में एस जोड़ेंगे, कमांडर्स इन चीफ। पैसर वाई है तो जब इसका प्लूरल बनाएंगे तो पैसर्स बाई, हम पैसर में बाई जोड़ेंगे। सन इन लॉ सन्स इन लॉ, डॉटर इन लॉ डॉटर्स इन लॉ, ब्रदर इन लॉ ब्रदर्स इन लॉ, मदर इन लॉ सॉरी मदर इन लॉज, सिस्टर इन लॉ सिस्टर्स इन लॉ, स्टेप मदर स्टेप मदर्स। यानी कि हम पहले वाले में नहीं, जो हमारा मेन नाम ना उसमें हम एस जोड़ते हैं, स्टेप फादर स्टेप फादर्स, स्टेप ब्रदर स्टेप ब्रदर्स, स्टेप सिस्टर स्टेप सिस्टर्स और स्टेप सन स्टेप सन्स। तो हमने इस ये कुछ रूल ऐसे पढ़े जिन्हें हम सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करने के लिए लागू करते हैं। मोस्टली हमारे जो एक्सेप्शन होते हैं वो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, या जो हमारे कंपाउंड नाउन होते हैं उनमें पूछा जाता है कि किस तरह हम एस या ईएस लगाकर उनका प्लूरल बनाते हैं। तो फ्रेंड, ऐसी ही वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कुछ नए रूल नए कंपाउंड नाउन कुछ नए एक्सेप्शन लेकर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो बने रहिए चैनल पर, धन्यवाद।